हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जेडमी डिफाइनिंग एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं इसरो 2017 में मशीन डिजाइन से आए क्वेश्चंस के बारे में। 2017 में दो सेट आए थे दोस्तों, एक आया था 7 मई 2017 को और दूसरा आया था 12 मई 2017 को। दो शिफ्ट में उन्होंने एग्ज़ाम लिया था। तो इस सेट में जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं सेट वन का। दैट मीन्स 7 मई 2017 को जो पेपर आया था इसरो का, उसमें जो मशीन डिजाइन से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे सेट टू से रिलेटेड मशीन डिजाइन और अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टू बोल्ट्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ आर सब्जेक्टेड टू आइडेंटिकल टेंसाइल लोड। If the elastic strain energy stored in bolt A is 16 times that of the bolt B and the mean diameter of bolt A is 13 millimeter, the mean diameter of bolt B in mm is। आपसे पूछा गया है क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मटेरियल उनका सेम है, दोनों बोल्ट का लेंथ सेम है और उन पे जो टेंसाइल लोड लगा रहे हैं वो भी सेम है। तो मैंने बगल में वही लिखा है क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है लोड सेम है, मटेरियल सेम है, इसलिए उसका यंग मॉडुलस जो होता है सर वो भी सेम होगा, लेंथ सेम दिया हुआ है और दिया हुआ है कि स्ट्रेन एनर्जी इन बोल्ट ए इज 16 टाइम्स स्ट्रेन एनर्जी इन बोल्ट बी, है ना। इससे हम लोग रेशियो निकाल लिए स्ट्रेन एनर्जी इन बोल्ट ए डिवाइडेड बाई स्ट्रेन एनर्जी इन बोल्ट बी, वो आ जाएगा सर 16 टाइम्स। चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी होता है सर जी 1/2 पी इंटू डेल्टा, वेयर पी इज द अप्लाइड लोड एंड डेल्टा इज द डिफॉर्मेशन ड्यू टू दैट लोड। तो वो सर होता है, अगर इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू होता है सर जी पी एल अपॉन ए ई। इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स पी स्क्वायर एल अपॉन ए ई। अब देखते हैं रेशियो दोनों का निकाल लेते हैं दोनों बोल्ट के लिए। तो यू ए अपॉन यू बी वो हो जाएगा सर जी जहाँ जहाँ पे ये प्रेशर और लोड है सर जी, वो हो जाएगा बोल्ट ए के लिए सब कुछ और यहाँ पे हो जाएगा बोल्ट बी के लिए। चूंकि दिया हुआ है सर जी एल ए बराबर एल बी, एल ए बराबर एल बी, पी ए इक्वल्स टू पी बी एंड ई ए इक्वल्स टू ई बी, तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा हमारे पास यू ए अपॉन यू बी, यू ए अपॉन यू बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ए, ठीक है, जहाँ पे ए बी है एरिया ऑफ बोल्ट बी एंड ए ए है एरिया ऑफ बोल्ट ए। एरिया डिफाइंड होता है सर जी पाई बाई 4 टाइम्स डी स्क्वायर। अब देखिए यू ए अपॉन यू बी ये दिया हुआ था कितना 16, वो हम मैंने यहाँ पे पुट कर दिया यू ए अपॉन यू बी इक्वल टू 16 एंड दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ बोल्ट बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बोल्ट ए। अब एरिया को जब हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को तो वहाँ पे आ जाएगा सर जी डायमीटर ऑफ बोल्ट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ ए स्क्वायर। डायमीटर ऑफ ए हमें दिया हुआ था सर जी कितना 13 और डायमीटर ऑफ बी हमसे पूछा गया था, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फाइनल वैल्यू हमारा आएगा 52 मिलीमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब करेंगे सर जी तो इसका एक सर्किल आएगा और इस सर्किल का डायमीटर कितना होगा, जितना उस स्फीयर का डायमीटर होगा। ओके, इसका डायमीटर इक्वल होगा स्फीयर के डायमीटर का और इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, सर्किल। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर ए प्लेट विथ एन इलिप्टिकल होल सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं सिग्मा एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एट पॉइंट पी इज, आपसे पूछा गया इस पॉइंट पी पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा। तो देखिए सर जी यहाँ पे ये कट सेक्शन है तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आएगा तो वहाँ पे अगर पॉइंट पी पे हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस देखेंगे सिग्मा मैक्स एट पॉइंट पी एंड दैट शुड बी इक्वल टू के टी टाइम्स सिग्मा, सिग्मा जो दिया हुआ है टेंसाइल स्ट्रेस उससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। के टी को बोला जाता है सर जी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो कि डिफाइंड होता है सर जी के टी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टाइम्स
सेमी मेजर एक्सिस, जो कि सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है, मेजर एक्सिस सर जी ये है ना, ये इसका वैल्यू दे रखा है 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस मतलब कि दो से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सर जी a, है ना, ये हो जाएगा a, तो सेमी मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाई सेमी माइनर एक्सिस जो कि है b। अब यहाँ फिगर से देख सकते हैं सर जी कि 2a इज ग्रेटर देन 2b, है ना, इसलिए a विल बी ग्रेटर देन b। तो ये जो a बाई b का रेशियो होगा सर जी वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन b है ना। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगा kt वो ग्रेटर देन कितना होगा, 1 प्लस 2 टाइम्स समथिंग ग्रेटर देन, चलिए कॉन्स्टेंट 3 मानते हैं, c विल बी ग्रेटर देन 1, सो दिस kt विल बी हाउ मच, kt विल बी ग्रेटर देन 3, 1 प्लस 2, क्योंकि ये c ग्रेटर देन 1 है ना। तो अब वैल्यू को सब्सिट्यूट करें kt के वैल्यू को, तो सिग्मा मैक्स विल बी ग्रेटर देन हाउ मच, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर जी, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा, दैट मीन्स ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिसिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द पिन फिगर शोइंग बिलो इज, आपसे पूछा गया ये जो पिन है इसमें मिसिंग डिस्टेंस कौन सा है सर जी, ये वाला है ना, यही पोर्शन तो मिसिंग है। आपसे पूछा गया है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हम लोग इस डायमेंशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका कोई इफेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे जब कैलकुलेट करना होगा इस डिस्टेंस को। तो बेस पहले निकालेंगे इसका बेस, तो बेस के लिए सर जी बेस के लिए क्या होगा, हम लोग बेस से बेस का सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो कितना होगा 45, जो कि दिया हुआ है इसका पूरा डिस्टेंस अगर हम लोग इस टॉलरेंस को हटाते हैं, क्योंकि बेस हमारा ये होता है ना, इसका बेस कौन सा है 30, इसका बेस कौन सा है 13.2, है ना। तो बेस को अगर निकालना है इसका बेस सर जी, तो बेस के लिए हम लोग निकालेंगे तो कैसे, 45 माइनस 30 माइनस 13.2, है ना, तो ये हो जाएगा सर जी कितना, 45 माइनस 30 और ये दोनों प्लस में हो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 43.2, फाइनल वैल्यू आएगा सर जी 1.8। ये सर जी सिर्फ और सिर्फ बेस का आया है, अब हमें टॉलरेंस निकालना है, ठीक है। तो टॉलरेंस के लिए क्या करेंगे, टॉलरेंस इक्वल्स टू हो जाता है सर क्यूमुलेटिव सम, जितना भी टॉलरेंस दे रखा है, ये है टॉलरेंस इस केस में टॉलरेंस ये है, और जो फाइनल वैल्यू है उसका टॉलरेंस है 0.5। तो क्या होगा सर जी, टॉलरेंस अगर निकालना है इस डायमेंशन का, तो वो हो जाएगा सर जी 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, दैट मींस 1.2। ओके, तो फाइनल वैल्यू कैसे लिखेंगे सर जी, फाइनल वैल्यू जो होगा डिस्टेंस का वो हो जाएगा 1.8 प्लस माइनस, क्योंकि ये टॉलरेंस है 1.2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस जब निकालना था सर जी, तो बेस से हम लोगों ने बेस को सब्ट्रैक्ट किया, जब हमें टॉलरेंस निकालना है तो जितना भी टॉलरेंस दे रखा है उसका क्यूमुलेटिव सम निकाल लेंगे, जो सम आएगा वही हमारा टॉलरेंस होगा। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए दिया हुआ था, इस पे आप फोकस ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए राइट रेगुलर प्रिज्म इज, आपसे पूछा गया राइट रेगुलर प्रिज्म को डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है सर जी पैरेलल लाइन मेथड से ही यूज किया जाता है इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा। पैरेलल लाइन मेथड आपसे अगर पूछ दिया जाता है सर्कुलर सिलेंडर को जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, तो ये भी किया जाता है पैरेलल लाइन मेथड सिलेंडर को। इसमें क्या होता है सर जी, पैरेलल लाइन मेथड में हम लोग बहुत सारे सरफेस को या सिंगल कर्व्ड सरफेस को बनाने के लिए करते हैं, जिसका एज, जो एज है लैटरल सरफेसेस का, दोनों पैरेलल होता है। जैसे कि सिलेंडर के केस में क्या होता है, इसका लैटरल सरफेस का एजेस क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इसलिए हम लोग पैरेलल लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं उसको डेवलप करने के लिए। जबकि हमें अगर कोन बनाना है सर जी, तो उसमें उसका जो लैटरल सरफेसेस है सर जी, उसका एज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है, इसलिए उस केस में हम लोग पैरेलल लाइन मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइन का मेथड ये जो है, इसे यूज करेंगे प्रिज्म को बनाने के लिए या फिर सिंगल कर्व्ड सरफेसेस बनाने के लिए, वैसा सिंगल कर्व्ड सरफेसेस जिसका लेटरल सरफेस जो है उसका एज एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है।
जो कि कोन के केस में नहीं होता है या फिर पिरामिड के केस में नहीं होता है सर जी। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेडियल लाइन मेथड। ओके, लेकिन प्रेजेंट केस में हमसे पूछा गया है राइट रेगुलर प्रिज्म के लिए क्या यूज होगा, तो वो होगा पैरेलल लाइन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्रेसिव रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस इन वेल्ड जॉइंट्स, आपसे पूछा गया ये जो कंप्रेसिव रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस होते हैं वेल्ड जॉइंट में वो क्या करते हैं। ऑप्शन ए डिक्रीजेज टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी इज इंक्रीजेज क्रैकिंग टेंडेंसी, एंड ऑप्शन सी इज इंक्रीजेज फैटिग स्ट्रेंथ, एंड ऑप्शन डी इज कोर्शन द ग्रेन स्ट्रक्चर। तो जो कंप्रेसिव रेसिड्यूअल स्ट्रेस होता है सर जी बिल्ड में, वो इंक्रीज करता है फैटिग स्ट्रेंथ को, फैटिग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जबकि टेंसाइल रेसिड्यूअल अगर रह जाएगा सर जी, टेंसाइल रेसिड्यूअल स्ट्रेस बेल्ट जॉइंट में, तो वो अनडिजायरेबल होता है क्योंकि वो डिक्रीज करता है फैटिग स्ट्रेंथ को। पॉट के फैटिग स्ट्रेंथ को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। कौन सा? टेंसाइल रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस। आपसे यहाँ पूछा गया है कंप्रेसिव रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फैटिग स्ट्रेंथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन ए कोनिकल पिवोट बेयरिंग, आपसे पूछा गया कोनिकल पिवोट बेयरिंग में कंसिडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर इज, आपको कौन सा यूज करना है थ्योरी, आपको यूज करना है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी किसके लिए, कोनिकल पिवोट बेयरिंग के लिए। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अनुसार जो सिंपल बेयरिंग होता है सर जी, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए टी एफ फोर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स लोड ऑन बेयरिंग मल्टीप्लाइड विथ टू बाई थ्री टाइम्स आर ऑटर्नल का स्क्वायर, दैट मीन्स क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब डिवाइडेड बाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सर जी जनरल फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल टॉर्क यूजिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। ओके, अब आपसे पूछा गया है प्रेजेंट केस में किसके लिए, कोनिकल पिवोट। तो सर जी जब कोनिकल होता है सर जी, तो कोनिकल में आपका ये फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है और ये टी एफ फोर कोनिकल बियरिंग ये हो जाएगा सर जी वन बाई साइन अल्फा टाइम्स ऑफ टी एफ ऑफ सिंपल बियरिंग। ओके, सिंपल बियरिंग तो ये हो जाएगा सर जी वन बाई साइन अल्फा, ये बन जाएगा कोसेक अल्फा टाइम्स टी एफ ड्यू टू सिंपल बियरिंग, है ना, जहाँ पे अल्फा है सर जी सेमी कोन एंगल या फिर सेमी एंगल ऑफ कोन। ओके, ये है अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर जी, फाइनली ये हो जाएगा टी एफ फोर कोनिकल बियरिंग यूजिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ये हो जाएगा सर जी कोशिक अल्फा टाइम्स म्यू डब्लू इंटू टू बाई थ्री टाइम्स आर आउटरनल का क्यूब माइनस आर इंटरनल का क्यूब एंड देन डिवाइडेड बाई दिस आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इंटरनल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सर जी। अब भी देखिए हमारा ऑप्शन तो मिल नहीं रहा सर जी, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ बोला गया सर जी पीवोट, पीवोट पीवोट बियरिंग के केस में सर जी हमारा इंटरनल रेडियस जीरो हो जाता है और आउटरनल रेडियस जो दिया हुआ रेडियस है सर जी उसके बराबर हो जाएगा आर। ठीक है, पीवोट के कारण, कोनिकल के कारण ये हमारा कोशिक अल्फा आया सर जी और पीवोट के कारण ये हमारा आएगा आर इंटरनल इक्व टू जीरो एंड आर आउटरनल आर के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे आर इंटरनल ये हो जाएगा सर जी जीरो जीरो, अगर आर आउटरनल यहाँ पे है सर जी दो से ये दो कटेंगे बाकी बचेंगे हमारे पास कोशिक अल्फा टाइम्स म्यू इंटू डब्लू इंटू टू बाई थ्री इंटू आर आउटरनल, आर आउटरनल इक्वल टू है सर जी आर। तो ये हमें अगर आप अरेंज करेंगे इसको तो आपका कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी है ना सर जी, ऑप्शन डी तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको जो मेन फोकस करना था वो था सर जी कोनिकल पीवोट एंड यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, कोनिकल पीवोट एंड यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इन तीनों पे मेन फोकस करना था सर जी, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर शीट स्टील प्लेट इज
joined to a vertical post using four identical rivets arranged as shown in below in the figure. आपको जैसे इस फिगर में दिया हुआ है सर जी, ये बोल्ट हैं चार और चारों आइडेंटिकल है. द शियर लोड ऑन द वॉस्ट लोडेड रिवेट, आपको बताना है ये कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली शियर लोड. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लोड लगाया. ठीक है, तो इस लोड को अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो सर जी क्या क्या से ट्रांसफ़र हो सकता है अगर हर एक पे करेंगे. तो देखिए, एक तो ये नीचे की ओर इसे खींचने की कोशिश कर रहा है, ये लोड है ना, नीचे की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है इसको, इस पे ऐसे स्लाइस कर रहा है नीचे की ओर. और साथ ही साथ अगर ये यहाँ से लगा रहे हैं सर जी, तो इस डिस्टेंस के कारण इस डिस्टेंस के कारण सर जी एक ट्विस्टिंग होगा सर जी इस डायरेक्शन में. इसको क्या करेगा, इस तरफ से ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा हर एक बोल्ट को, है ना, हर एक बोल्ट को चाहेगा इस तरह से ट्विस्ट करना. ठीक है, ये इफेक्ट आएंगे. तो इसको मैंने इक्विवेलेंटली यहाँ पे बनाया है. देखिए, एक तो पहले उसमें प्राइमरी शियर लगेंगे नीचे की ओर, और सेकेंडरी शियर किसके कारण लगेंगे सर जी, इस ट्विस्टिंग के कारण. ट्विस्टिंग के कारण क्या आएगा, सेकेंडरी शियर फोर्स यहाँ पे आएगा, और उसका इक्विवेलेंट हम लोग को लेना है जो कि फाइनल शियर लोड होगा हर एक बोल्ट पे, है ना. तो पहले मैंने माना है ये जो डाउनवर्ड साइड पे लगेंगे वो लगेंगे प्राइमरी शियर ड्यू टू दिस डायरेक्ट लोड. उसके कारण फर्स्ट बोल्ट पे PP1 है, सेकंड पे PP2, थर्ड पे है PP3 एंड फोर्थ पे है PP4. ठीक है, वैसे ही हम लोग लेके चलेंगे सेकेंडरी शेयर के लिए. तो इसका हो जाएगा PS1, इसके लिए हो जाएगा PS2, इसके लिए हो जाएगा सर जी PS3 एंड इसके लिए PS4. ओके, अब ये क्यों ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा सर जी, ये जो डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि ये खींचने की कोशिश कर रहा है सर जी इस तरफ से, इसके नीचे की ओर दबाएगा. इस पर जब लगाएंगे सर जी, इसको इधर की ओर खींच रहा है और इसको इधर की ओर ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है सर जी, इसलिए ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि ये इस तरफ से ट्विस्टिंग कर रहा है. ठीक है, समझ गए. अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सेंट्रॉयड निकालेंगे. तो सिंस ये सारे इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेंटर पे कहीं पे 0 0 अगर इसको मानते हैं, तो यहाँ से कितना, यहाँ से 30 पे, यहाँ से भी 30 पे, इधर से भी 30 पे और इधर से भी 30 पे, ये यहाँ पे लाई करेगा इसका सेंट्रॉयड. ठीक है सर जी, इसके जो सेंटर है हर एक बोल्ट के सेंटर से सेंट्रॉयड का डिस्टेंस हम लोगों ने R1, R2, R3, R4 लेके चला है. सिंस सारे के सारे बोल्ट आइडेंटिकल हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हर एक के बीच का डिस्टेंस 60 60 आपको दे रखा है, इसलिए इन सभी का वैल्यू कितना होगा, R1 = R2 = R3 = R4 होगा सर जी. और सिंस ये 60 है टोटल, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना होगा सर जी, ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 30. सिमिलरली ये 60 है टोटल सर जी, तो यहाँ से हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 30, तो ये R3 हो जाएगा सर जी, दिस स्क्वायर अंडर रूट दिस प्लस दिस, तो हो जाएगा सर जी यहाँ पे √2 × 30, है ना, √2 × 30 ये हो जाएगा वैल्यू उसका. तो ये हो जाएगा सर जी 30√2 mm, है ना. अब देखिए PP1, PP2, PP3 एंड PP4 ये क्या हो जाएगा सर जी, ये टोटल लोड का ये आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वोल्ट्स हैं सर जी 4, तो इस पे PP1 = PP2 = PP3 = PP4 = हो जाएंगे सर जी P/4. क्यों, क्योंकि चार बोल्ट थे, अगर बोल्ट नंबर ऑफ बोल्ट ज़्यादा रहते सर आइडेंटिकल होते तो यहाँ P/N हो जाएंगे अगर N बोल्ट्स वहाँ पे होंगे. हमारे प्रेजेंट केस में ये नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 हैं, इसलिए P/4 हो जाएगा. इसको अगर हम लोग करेंगे तो 840/4 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 210 न्यूटन. ओके, अब देखते हैं सेकेंडरी शियर फोर्स कैसे निकाला जाएगा सर जी. तो सेकेंडरी शियर फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है PSN = अगर इस डिस्टेंस को सर जी, इसके सेंट्रॉयड से इस डिस्टेंस को मैं मानता हूँ E, ठीक है, और ये हमारा है P. ओके, ये लोड हमारा है P और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने माना, जहाँ पे से लग रहा है फोर्स वहाँ से सेंट्रॉयड का डिस्टेंस वो माना मैंने E. तो होता है सर जी इसका फॉर्मूला P × E × Rn, वहाँ पे N रिप्रेजेंट करेगा सर जी जिस बोल्ट के बारे में हम लोग निकालना चाह रहे हैं उसका ये रेडियस और ये डिस्टेंस, जैसे R1, R2 एंड R3 लाइकवाइज, डिवाइडेड बाई
r1² + r2² + r3² &……rn². सर जी ये फॉर्मूला होता है सेकेंडरी शेयर फोर्स का, तो आप ये नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्पेस बचे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, PP1 = PP2 = PP3 = PP4 = कितना है सर जी 210 न्यूटन। साथ ही साथ देखेंगे सर जी r1 = r2 = r3 = r4 है सर जी, इसलिए PS1 = PS2 = PS3 & PS4। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे सर जी, ये कितना वैल्यू के बराबर होगा, तो हम लोग एक निकाल लेते हैं PS1 हो जाएगा सर जी P × E × r1 / r2² + r3² + r4². सर जी r1 = r2 = r3 = r4, इसको हम लोग मान लेते हैं R। क्या बोला मैंने, r1 = r2 = r3 = r4, इसको हमने माना R, तो यहाँ पे सर जी हो जाएगा P × E × r/4 r2। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सर जी, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये है (mm) में ही रहने देते हैं क्योंकि कैंसिल आउट करके दे आएगा जो वैल्यू वो हम लोग देख लेंगे। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे सर जी तो आपका वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1484.92 न्यूटन, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1485 न्यूटन। ओके ये आ गया सर जी PS1, तो PS1 सर जी इक्वल है PS2 के, PS3 के एंड PS4 के, तो ये हो जाएंगे सर जी इक्वल टू 1485 न्यूटन। अब हमारा आता है रिजल्टेंट शियर फोर्स क्या होगा वो निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है सर जी r = √PP² PP हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी शियर फोर्स को, प्लस PS रिप्रेजेंट कर रहा है सर जी सेकेंडरी शेयर फोर्स को, प्लस 2 × PP PS × cosθ, जहाँ पे थीटा है सर जी इन दोनों के बीच के एंगल थीटा, दैट मीन्स प्राइमरी शेयर फोर्स और सेकेंडरी शेयर फोर्स के बीच के एंगल को हम लोग बोल रहे हैं एंगल थीटा। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा θ1, सेकेंड वाले के लिए ये हो जाएगा सर जी θ2, थर्ड के लिए θ4 एंड सिमिलरली फोर्थ के लिए θ4। ओके अब देखिए ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कोसाइन पे, कोसाइन ऑफ थीटा पे, तो कोसाइन का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा ये हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू होगा, है ना, जितना कम होगा कोसाइन का वैल्यू उतना कोसाइन नहीं थीटा का वैल्यू, जितना छोटा थीटा होगा सर जी उतना ज़्यादा होगा कोसाइन का वैल्यू और उतना ही ज़्यादा हमारा रिजल्टेंट आएगा। ओके तो अब देख लेते हैं किसमें सबसे कम होगा थीटा का वैल्यू, तो सबसे छोटा होगा सर जी थीटा का वैल्यू इस केस में 45 डिग्री, एंड इस केस में भी 45 डिग्री, है ना, इस केस में 45 आ रहा है सर जी, इस केस में 45 आ रहा है, अदरवाइज ग्रेटर देन 45 आ रहा है इन दोनों के बीच का एंगल, तो सबसे ज़्यादा किसमें हमारा वैल्यू मिलेगा सर जी बोल्ट 2 और बोल्ट 3 के लिए, और दोनों के लिए इक्वल आएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है। ओके 45 डिग्री है, तो उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, रिजल्टेंट r = हो जाएगा सर जी, तो मैक्सिमम किस में हो जाएगा सर जी बोल्ट 2 और बोल्ट 3 में, तो इसके लिए हो जाएगा PP1² + PS2 × cosine of 45। ओके 45 डिग्री, जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे सर जी तो इसका फाइनल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएंगे 1640.23 न्यूटन, विच इज नियरली इक्वल टू 1640 न्यूटन। तो इसका सबसे नज़दीक की वैल्यू कौन सा आ रहा है सर जी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा होगा सही उत्तर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट मीन्स बोस्ट केस के लिए। ओके
तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि हम लोगों ने देखा सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस किस में आ रहा है, बोल्ट टू में और बोल्ट थ्री में हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है शियर फोर्स का, है ना। शियर फोर्स है सर जी, ये शियर स्ट्रेस नहीं है, आप ध्यान देंगे न्यूटन लिख रहे हैं हम लोग यूनिट, ये होगा फोर्स। तो ये किस में होगा सबसे ज़्यादा? बोल्ट, इस बोल्ट में और इस बोल्ट में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच के एंगल, हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी शियर फोर्स की बात में और सेकेंडरी शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का एंगल कम होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग क्राइटेरियन ऑफ मटेरियल फेल्योर अंडर बायएक्सियल स्ट्रेसेस सिग्मा वन एंड सिग्मा टू एंड यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आपको दे दिए गए हैं, आपको ये थ्योरीज ऑफ फेल्यूअर दिया हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्राइटेरिया। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओके, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के क्राइटेरिया के केस में सर जी, रीजन ऑफ सेफ्टी वो आता है हेक्सागोनल, जो कि ऑप्शन एन है, ये फिगर एन है जो कि हेक्सागोनल है, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया को। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के केस में सर जी, इलिप्टिकल आता है रीजन ऑफ सेफ्टी, कैसा आता है? इलिप्टिकल। तो ये हो जाएगा सर जी एल, एंड बचा हमारा सर जी नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्राइटेरियन, इसके लिए आता है सर जी ये हमारा रिक्टेंगुलर। ओके, तो हमारा रिक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर केस में कह सकते हैं, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ सिग्मा वन एंड सिग्मा टू पे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा सर जी? ऑप्शन ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ए एन बी एल सी एम। ओके, ये था 2017 के फर्स्ट सेट में पूछे गए मशीन डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाले में हम लोग बात करेंगे सेट टू में पूछे गए मशीन डिजाइन के क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द bell icon over here so that you can get a regular update on time. Thank you for watching again. Have a good day.